हेलो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, किसके मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आज का वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोज दे के बारे में। इनका जन्म 9 सितंबर 1996 में हुआ है और ये झारखंड के छोटे से गाँव धनबाद से बिलोंग करते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके जर्नी के बारे में। मनोज दे एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ इनके पिता का एक साइकिल रिपेयरिंग का शॉप हुआ करता था, जहाँ वो दिन भर का 200 से 300 तक की कमाई कर पाते थे। तो आप लोग सोच ही सकते हैं इनका बचपन कितनी कठिनाइयों से गुजरा होगा। मनोज दे की स्कूलिंग धनबाद के एक गवर्नमेंट स्कूल से हुई थी और जब ये 10th फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए थे, तब इनको इनके पिता की तरफ से कंप्यूटर गिफ्ट मिली थी। पर इनको अपने पिता की तरफ से दी हुई गिफ्ट को बेचनी पड़ गई थी। पर क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मनोज दे की जब 12th कम्प्लीट हुई तो इनको ITI करनी थी, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनके पिता की इतनी इनकम नहीं थी कि वो इनको ITI करवा सके। तो इसीलिए फीस को मैनेज करने के लिए इन्होंने अपने कंप्यूटर को बेचा था। ये अपनी मंथली पॉकेट मनी को मैनेज करने के लिए छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन भी देते थे, और जब इनकी ITI कम्प्लीट हुई तो इनको गुजरात में एक फैब्रिक फैक्ट्री में जॉब भी लगी। इन्हीं दिनों में इन्होंने जॉब छोड़कर अपने घर वापस धनबाद आ गए थे, क्योंकि इनको वो सब में इंटरेस्ट नहीं था और इनका कहना था कि इनसे भारी भारी काम होती नहीं। पर ऐसा नहीं कि वो जॉब छोड़ के घर आके बैठे हुए, इनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इंटरेस्ट था और इन्होंने अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक मोबाइल दुकान भी खोली थी, जहाँ ये हर तरह के इंटरनेट से रिलेटेड काम करते थे और साथ ही में गवर्नमेंट जॉब का तैयारी भी करते थे। मनोज दे YouTube में इसलिए आना चाहते थे क्योंकि इनको फेमस होना था। इनको नहीं पता था कि YouTube में हम लोग वीडियो अपलोड करके पैसे भी कमा सकते हैं। पर जैसे ही YouTube में धीरे धीरे काम करते करते इनको पता चला कि हम लोग YouTube में वीडियो अपलोड करके पैसा कमा सकते हैं, तो ये अपने फर्स्ट चैनल ओपन किए, जहाँ ये अपने सिंगिंग से रिलेटेड, अपने गिटार से रिलेटेड वीडियो डालते थे। जहाँ इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर इन्होंने अपने दूसरे चैनल खोली, जिसका नाम था टेक्निकल मनोज। वहाँ पर ये मोबाइल के अपडेट्स, न्यू मोबाइल्स लॉन्च होते थे, वो सब के बारे में बताते थे। पर कुछ ही दिनों के बाद इनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया। इनके दूसरे चैनल में अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी थे, पर इनका मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाने के कारण इन्होंने अपनी तीसरी अकाउंट खोली, जिनका नाम था मनोज दे। इसमें ये यूट्यूब से रिलेटेड टिप्स देते थे कि YouTube में कैसे ग्रो करें, YouTube की नई नई सेटिंग्स जो आती थी उसको इनेबल कैसे करें। इनके पास ना ही अच्छा मोबाइल था और ना ही एक अच्छा माइक, और ना ही ये खुद के घर में वीडियो बनाते थे। ये बगल के घर में सीढ़ी में बैठ के वीडियो बनाते थे, और इनको बहुत लोग पागल भी बोलते थे, क्योंकि गांव में उतना नहीं पता था YouTube के बारे में, और सब सोचते थे कि ये फ़ोन के सामने क्या अपने आप बक बक करते रहता है। पर इन्होंने किसी की बातें नहीं सुनी और रेगुलर अपने वीडियो डालते रहे, और 6 साल मेहनत के बाद आज इनके YouTube में 3 मिलियन सब्सक्राइबर है, और ये हाल ही में संदीप महेश्वरी सर के मीट योर फेवरेट यूट्यूबर के शो भी करके आ चुके हैं। तो इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि अपने में भरोसा रखना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। इनको बहुत लोग पागल भी बोलते थे जब ये वीडियो बनाते थे, पर ये उन सब की बातें में नहीं आए और मेहनत करते रहे, और आज इनके पास सब कुछ है, जो भी ये चाहते हैं इस टाइम पर वो ले सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, जिससे इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।